ये है एकता, और अगर हम इसको ऐसे करके कर देते हैं तो ये है मुंतशिर। तमाम दुनिया ये फिल्म देख रही है, क्या सोचती होगी कि इस धर्म के भगवान भी गालियां देते थे? तेरी माँ की तेरी धी की गालियां देगा कि कपड़ा तेरे बाप का तो तेल तेरे बाप का, तो जलेबी भी तेरे बाप की, तेरी बुआ का बगीचा तो तू यहाँ टहल लाया। भारतीय जनता पार्टी ने दो लॉन्डे लॉन्च करे, एक आप ही देखे पंडित भागेश्वर जो टीसी भविष्यवाणी करता है, और एक ये करा पंडित शुक्ला। तो ये दोनों के दोनों जो है भारत की संस्कृति पे एक तरह से धनिया काट रहे हैं, भारत के धर्म को बदनाम कर रहे हैं, भारत की एकता को तोड़ रहे हैं। नेपाली भारत से ज्यादा धार्मिक है, नेपाली जरूर गोबर नहीं खाते होंगे, मूत्र नहीं पीते होंगे, उनका दिमाग आज भी काम कर रहा है कि उनको पता है कि भगवान राम क्या थे, उनको पता है कि मैया सीता और उनकी गरिमा क्या थी। मतलब आपने सीता को नंगपन की हद कर दी, आपने इतने गंदे कपड़े पहनाए कि आप मतलब सीता को क्या दिखाना चाहते हैं? एक जिसको सीता को हम माँ कहते हैं और माँ को आप अधनंगा बनाकर पेश करें फिल्म में सिर्फ पैसों के लिए। मनोज मुंतशिर का नाम अगर आपको पता हो, ये एक पंडित है, पंडित मनोज शुक्ला, इसका नाम मुंतशिर है। मुंतशिर ये क्या चीज है? देखो ये है एकता, और अगर हम इसको ऐसे करके कर देते हैं तो ये है मुंतशिर, यानी बिखराव टूटी हुई चीज, इसको कहते हैं मुंतशिर। यानी इसने देश को तोड़ने का काम करा, ये एक चोर लुच्चा लफंगा है, ये कहता मैं गाने लिखता था, ये गाने नहीं लिखता था, ये लोगों के गाने चुराता था। एक पंडित होके एक बात बताइए आप कैसे, इसने कितनी बड़ी बात कह दी कि इसने जो है वो हनुमान को भगवान बनाया। तू होता कौन है? तू कह रहा मैं चप्पल उतार के जाता था, फिक्र मत कर, यही चप्पल तेरे भारत की जनता दौड़ा दौड़ा के तुझे पीटेगी, और इसमें सिर्फ तुम्हारे धर्म वाले नहीं, भारत की तमाम जनता पीटेगी। मैं मंदिर जी मेरा पूरा समाज अगर तू कहीं मिल गया हम तू चप्पलों से मारेंगे। क्योंकि हम लोग भी बचपन में महाभारत देखते थे, रामायण वो लगता था, पूरा स्टेज सजता था, 10 दिन की चलता था पूरा का, मेरे फादर दिखा के लेकर आते थे। और आप देखिए शाहरुख खान, जिस शाहरुख खान पे आज ही कहते हैं कि मुल्ला है और पाकिस्तान के वीजे काट रहे हैं, शाहरुख खान का अगर आपको पता, जब शाहरुख खान कॉलेज में पढ़ता था तो उसको महाभारत से इतनी मोहब्बत थी कि उसमें रोल करने के लिए वो मैया सीता का रोल करता था, अगर आप लोगों को पता हो तो। यानी कि जिस भारत में तमाम धर्मों का एहतराम करा जाता हो, वहां पर आप अपने फायदे के लिए उस धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनको पहले ही पता चल गया था फिल्म फ्लॉप होने वाली है, इसलिए इन्होंने ड्रामा करा कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के पास गए। इनको पता कि भारतीय जनता पार्टी के पास तमाम चीजें ज्ञान के अलावा, उनको पता नहीं कि फिल्म में क्या लिखा। इन्होंने उनको इसने डोज दिया कि हमने भगवान पर बनाई तो ये बनाई, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ हमें राम की छवि नजर आ रही है, उस दिन के गाने सुना दिए। तो ये जो ड्रामा हुआ ना कि पूरी भारतीय जनता पार्टी ने और तमाम आरएसएस ने भगवा टोलियों ने इस फिल्म का प्रमोशन करा, लेकिन जैसे तमाम भगवा टोलियां फिल्म देखने गई तो इनके हाथों से तोते उड़ गए, क्योंकि इनको नजर आया कि इन्होंने तो भगवान नाम को ऐसा दिखा दिया जैसे इस दौर का तेरी माँ की तेरी बहन की। भले ये बताइए कि अगर भगवान होगा जो शालीनता का पैकर होता है, भगवान क्या होता है? वो गालियां देगा कि कपड़ा तेरे बाप का तो तेल तेरे बाप का, तो जलेगी भी तेरे बाप की, तेरी बुआ का बगीचा तो तू यहाँ टहलने आया, और हमारी बहनों को अगर हाथ लगाओगे तो तुम्हारी लंका लगा देंगे। बात यह है कि जब अभी सीता मैया का अपहरण नहीं हुआ तो लंका बन कैसे गई, लंका लग कैसे जाएगी? दूसरी बात, यानी आप ये बताना चाहते हैं कि आपके धर्म में भगवान के जमाने में भी औरतें और आपकी महिला सेफ नहीं थी? यानी आप ये कह रहे हमारी बहनों को अगर हाथ लगाओगे तो तुम्हारी लंका लगा देंगे? आप खुद बता रहे हैं तमाम दुनिया को कि तुम्हारे कल्चर के अंदर बहनों को, माओ को, बेटियों को माले गनीमत समझ के लूटा जाता रहा है भगवान राम के जमाने से। तो ये फिल्म जो है ये एक तरह से धर्म के साथ खिलवाड़ है, और ये तमाम भारतीय जनता पार्टी वाले जो हैं अपने मुफाद के लिए इस फिल्म को लेकर आए, और सन 2014 के बाद जो ये हिंदू पैदा हुए हैं, नए हिंदू जो पैदा हुए हैं, ये इसका प्रमोशन कर रहा है, ये कह रहा है कि हाँ फिल्म सही। लेकिन अदरवाइज अगर आप रिव्यू लेने जाएं तो तमाम के तमाम लोग मुंतशिर से नाराज है, तमाम के तमाम ये कह रहे हैं कि इसने हमारे भगवान राम की तौहीन करी। अब मुंतशिर तू तो कह रहा है तूने सही लिखा, फिर तू क्यों कह रहा है कि तू फिल्म का डायलॉग चेंज कर देगा? अगर तू डायलॉग चेंज कर देगा, तू भी कहीं ना कहीं मानता है कि तूने गलती करी है और तूने इस फिल्म में हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया, उसके बावजूद उड़ाया जबकि तू खुद एक पंडित है। भारतीय जनता पार्टी ने दो लॉन्डे लॉन्च करे, एक आप ही देखिए पंडित भागेश्वर जो टीसी भविष्यवाणी करता है, और एक ये करा पंडित शुक्ला। तो ये दोनों के दोनों जो है भारत की संस्कृति पे एक तरह से धनिया काट रहे हैं, भारत के धर्म को बदनाम कर रहे हैं, भारत की एकता को तोड़ रहे हैं, भारत की मर्यादा को तोड़ रहे हैं। अगर ये फिल्म हिंदुस्तान में रिलीज होती तो हम सब्र कर लेते, लेकिन आप कुछ सोचिए तमाम दुनिया ये फिल्म देख रही है, क्या सोचती होगी कि इस धर्म के भगवान भी
गालियाँ देते थे, तेरी माँ की तेरी धीखी करते थे। नेपाल में बैन लग गया हिंदी फिल्म जो है, यानी नेपाली हमसे ज्यादा अच्छे ना, नेपाली भारत से ज्यादा धार्मिक है। नेपाली जरूर गोबर नहीं खाते होंगे, मूत्र नहीं पीते होंगे, उनका दिमाग आज भी काम कर रहा है कि उनको पता कि भगवान राम क्या थे, उनको पता कि मैया सीता और उनकी गरिमा क्या थी। मतलब आपने सीता को नंगपन की हद कर दी, आपने इतने गंदे कपड़े पहनाए कि आप मतलब सीता को क्या दिखाना चाहते हैं। एक जिसको सीता को हम माँ कहते हो और माँ को आप अधनंगा बनाकर पेश करें फिल्म में सिर्फ पैसों के लिए, तो ये तमाम के रवि किशन तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखने लायक है फिल्म, इतनी शानदार बनाई गई। वो नचनिया वो क्या करेगा, वो तो खुद पागल आदमी है। ये तो तमाम के तमाम इनको ये पता है कि हमें सत्ता चाहिए, हमें भारतीय जनता पार्टी से मुफाद चाहिए। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये धर्म को अपने लिहाज से मोल्ड कर लेते हैं, अपने लिहाज से तोड़ डालते हैं, अपने लिहाज से मोड़ डालते हैं। लेकिन अब इनको पता है कि ये फिल्म जो है, और आप देखिएगा बहुत जल्दी भक्त तमाम मिलकर इनको मारने चाहिए। आप खुद देखिए, मैं तो खुद कहती हूँ मैं तो हैरान हूँ कि फिल्म रिलीज कैसे हो गई। मतलब वो भक्त जो पठान में एक बिकनी पे इतना ड्रामा कर रहे थे, फूंक डालेंगे, जला डालेंगे, मार डालेंगे, शाहरुख खान की अर्थियां जला रहे थे, शाहरुख खान का वीजा पाकिस्तान निकाल दिया था कि पाकिस्तान चले, तो वो भक्त कहाँ है, कौन से खुबों में? अब उनको नजर नहीं आ रहा कि आपकी आस्था पर नहीं, आपके धर्म पर सवाल है। आपके धर्म को गाली दी गई, और गाली देने वाला कोई मुल्ला नहीं है, गाली देने वाले भी आपका पंडित मनोज शुक्ला है और तमाम भारतीय जनता पार्टी है, जिसने इसको सर्टिफिकेट दिया और कहा हाँ ये बाकी पुरुषोत्तम राम के ऊपर एक अच्छी फिल्म बनाई। ये सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, तो जनता को सवाल करना चाहिए कि ऐसी फिल्म रिलीज क्यों हुई, और सेंसर बोर्ड किसके इशारे पे काम कर रहा है, किसके इशारे पे काम कर, क्योंकि धर्म पे अगर कोई भी फिल्म गलत बनाई जाती है तो उस मुल्क का माहौल खराब होता है, मुल्क में दंगे भड़कते हैं। तो मनोज मुंतशिर जो रख के बैठा है अपना नाम, इसके ऊपर यूएपीए का मुकदमा, इसके ऊपर भारत में दंगे भड़काने का मुकदमा, इसके ऊपर भारत के मजहब का मजाक उड़ाने का मुकदमा, इसके ऊपर भारत की संस्कृति दुनिया में छवि खराब करने के मुकदमे दर्ज होने चाहिए। मनोज को तो सिक्योरिटी मिल गया। हाँ, तो सिक्योरिटी मिलती है, नुपुर शर्मा को नहीं मिली थी? नुपुर शर्मा ने जब रसूल पाक को तौहीन कही, उनको गालियां दी थी, तो नुपुर शर्मा को नहीं मिली थी? भारत में तो यह कि जितने लुच्चे लफंगे अलातकारी बलात्कारी हैं उनको जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाती है, उसको नहीं डिजिटल तबाह कंगना रनौत को नहीं देती सिक्योरिटी? तो ये तो तमाम उन लुच्चे लफंगों को सिक्योरिटी देते हैं जो भारत का नाम खराब करते हैं, भारत का एक संस्कृति खराब करते हैं, भारत के संविधान का मजाक उड़ाते हैं। ये भारतीय दंगा पार्टी उनको सिक्योरिटी जरूर देती है, और हमें पता था सिक्योरिटी मिलेगी, और आज फाइनली इस पंडित को, इस लौंडे को भारतीय जनता पार्टी ने सिक्योरिटी दे दी। क्या लग रहा है कि अब जिस तरह से मूवी आ रही है या तमाम चीजें हो रही हैं, तो अब मान लिया जाए कि 2024 की शुरुआत हो चुकी है, इसी पर चुनाव लड़ा जाएगा? इन लोगों को लगता है कि सन 2014 के बाद जो एक धर्म इन्होंने पैदा करा, जो गुफाओं में पैदा हुआ है, जिनके पास बुद्धि नहीं है, जो मूत्र पीते हैं, जो गोबर खाते हैं, जिनका अस्तित्व नहीं, जो मोदी को राम राम भगवान भगवान कहते हैं, जो मोदी को भगवान राम से ऊंचा दर्जा देते हैं, उनको लगता है कि हाँ हम 24 में मोदी जी को लेकर आएंगे, बस उन लोगों का पेज टाइट होता रहे। तो उसको ये कोऑर्डिनेट करने के लिए, क्योंकि इन्होंने ना तो युवाओं के लिए कुछ करा, ना महिलाओं के लिए कुछ करा, ना किसानों के लिए कुछ करा, ना जवानों के लिए कुछ करा, ना भारत के लिए कुछ करा, संविधान के लिए कुछ करा। अब ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसी फिल्में लेकर आ रहे हैं ताकि भक्त खुश हो जाए, तालियां बजाए। तो इसलिए सी क्लास और डी क्लास फिल्म इन्होंने बनाई। इनको लगा था भारत की अनपढ़ निपट गवार जनता जो इनके बकौल है, ये गालियां बर्दाश्त करेगी, तालियां बजाती निकलेगी। लेकिन हुआ उल्टा, लोगों को समझ में आ गया कि हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है, और हमारे भगवान की जो छवि दिखाई गई है, हमारे भगवान चाहे किसी भी युग में आते, चाहे वो इस युग में आते या वो जिस युग में थे उस युग में, हमारे भगवान कभी गाली दे ही नहीं सकते, इसीलिए वो भगवान है। तो फिर हम आम जैसे लोग भगवान ना कहलाते? हम भी तो भगवान बन सकते हैं, लेकिन हम नहीं बन सकते, क्योंकि हमारे अंदर जो है गुस्सा है, हमारे अंदर जज्बात है, हम महत्वाकांक्षी हैं, हम चीजों को सोचते हैं कि हमें ये चीज मिल जाए, लालसा और लालच है। लेकिन भगवानों के अंदर ऐसी कोई भी गलत क्वालिटी नहीं होती थी। ठीक है।